हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नोट्स के माध्यम से एलएचबी की संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं एवं एलएचबी में ब्रेक बाइंडिंग होने पर उसे कैसे आइसोलेट किया जाए उसको भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। एलएचबी की आवश्यक जानकारी की अगर बात की जाए तो एलएचबी का पूरा नाम हमारा लिंक हाफमैन बुश है एवं यह भारतीय रेलवे में उपयोग किए जाने वाला हमारा पैसेंजर कोच है। यह जर्मनी के वैज्ञानिक लिंक हाफमैन बुश ने बनाया है। इसे सन 1998 में भारत लाया गया था। बाद में रेल कोच फैक्ट्री यानी आरसीएफ कपूरथला के द्वारा 2002 से भारत में ही निर्माण किया जाना लगा। एलएचबी कोच में हमारा फियट बोगी का उपयोग किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है फेबिका इटालियाना डी ऑटोमोबाइल टोरिनो। बोगी का इस्तेमाल होता है जिसे स्विट्जरलैंड से 1985 में भारत लाया गया था। एलएचबी कोच की लंबाई हेड स्टॉक से है। अगर विशेषता की बात की जाए तो एलएचबी कोच की लंबाई हेड स्टॉक से हेड स्टॉक तक 23,540 होती है तथा बफर से बफर तक हमारा 24,000 mm होती है। इसकी लंबाई में आईसीएफ से लगभग 2.2 मीटर अधिक होता है, इसलिए इसमें यात्रियों के बैठने की क्षमता हमारा आईसीएफ के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। इसका राइडिंग इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा 2.5 से हमारा 2.75 तक होता है। इसके चलते हमारा झटके कम महसूस होते हैं। एलएचबी कोच बॉडी में स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया गया है जिससे यह आईसीएफ के मुकाबले में वजन में हल्के होते हैं। एलएचबी कोच में एच टाइप बफर कपलर का प्रावधान किया गया है जिससे यह दुर्घटना के समय में एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं और साइड में झुककर हमारा जनहानि को क्षति को कम करते हैं। इस कोच की अधिकतम गति 160 किलोमीटर तक होती है। इस बोगी के डिज़ाइन में कुछ चेंज करके हम 200 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं। यह कोच आईसीएफ की तुलना में वजन में हल्के होते हैं। इसमें WSP व्हील साइड प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है ताकि जब गाड़ी हमारा एकाएक ब्रेक लगाए जाते हैं तो हमारा व्हील स्किड ना हो और एक समान गति से हमारा चल सके। एलएचबी कोच में हमारा CTS का प्रावधान किया गया था परंतु अभी नए जो कोच बन रहे हैं उसमें CTS का प्रावधान समाप्त कर हम बायो टॉयलेट का प्रावधान किया गया है। एलएचबी कोच की लाइफ 30 वर्ष होती है। एलएचबी बोगी का फ्रेम वाई आकार एवं फ्रेम सेक्शन का आकार YXH सेक्शन में हमारा होता है। फिट बोगी में हमारा ट्विन XL बोगी की व्यवस्था की गई जिसमें दो स्टेज में सस्पेंशन की व्यवस्था है। बोगी फ्रेम प्राइमरी सस्पेंशन पर रेस्ट करती है तथा बॉडी का भार सेकेंडरी सस्पेंशन पर वहन किया जाता है। प्रत्येक एक्सल के अंतिम सिरों पर CTRB यानी कार्टिज टेपर रोलर बियरिंग का प्रावधान है। यह एक प्री असेंबल्ड यूनिट के रूप में आता है जिसमें 130 mm बोर वाले टेपर रोलर बियरिंग का उपयोग किया गया है। दोनों सस्पेंशन में डबल नेस्टेल स्टील हेलिकल क्वाइल स्प्रिंग का प्रावधान किया गया है एवं प्राइमरी सस्पेंशन सीधा एक्सल बॉक्स पर चार स्थानों पर है जबकि सेकेंडरी बोगी ब्लस्टर के नीचे लगा है। इस कोच में एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक का प्रावधान किया गया है। एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक के उपयोग के कारण ब्रेकिंग क्षमता में हमारा बढ़ोतरी हुई है और साथ ही साथ ब्रेकिंग के कारण हमारा पहिए के टेड पर घिसाव की संभावना पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। प्रत्येक एक्सल पर हमारा 640x110 mm साइज के ब्रेक डिस्क लगे होते हैं। एलएचबी कोच में ट्विन पाइप ग्रेजुएटेड रिज एयर ब्रेक प्रणाली का प्रावधान किया गया है। ब्रेक पाइप एवं फिट पाइप की अगर बात की जाए तो 28 mm का होता है तथा हमारा जो हमारा ब्रांच पाइप होता है वो हमारा 20 mm का होता है। एलएचबी कोच में अंतिम सिरों पर हमारा टाइट लॉक्ड सेंटर बफर कपल का प्रावधान किया गया है। यह CVC AAR टाइप होता है जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन रेलरोड इसका फुल फॉर्म होता है का डिजाइन का कपलर जिसमें एंटी क्लाइंबिंग फीचर का प्रावधान है। इसकी हॉलिंग क्षमता 26 डिब्बों के साथ हमारा 110 किलोमीटर पर आवर होता है तथा 18 डिब्बों के साथ हमारा 160 किलोमीटर पर आवर की क्षमता होती है। CVC में ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक रूप से घूमने से रोकने के लिए हमारा ऑपरेटिंग हैंडल के हाउसिंग में हैंडल लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू का प्रावधान किया गया है। लॉकिंग स्क्रू को बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज घुमाए जिससे ऑपरेटिंग हैंडल हमारा लॉक हो जाता है।
इसमें हमारा एयर रिजर्वायर दो तरह के होते हैं, एक हमारा 125 लीटर का जो हमारा ब्रेक अप्लीकेशन के लिए होते हैं, और 75 लीटर का हमारा एयर होता है जो सीडीटीएस के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसको अभी वर्तमान में ईयर स्प्रिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और सीडीटीएस का प्रावधान हमारा समाप्त कर दिए गए हैं एलएचबी कोच में। कंट्रोल रिजर्वायर हमारा 6 लीटर का होता है एलएचबी में। अगर ब्रेक पैनल की बात करें तो ब्रेक पैनल में हमारा बीपीएफपी सीआर ब्रेक सिलेंडर इस का हमारा प्रेशर चेक करने के लिए टेस्ट फिटिंग की जाती है। प्रेशर स्विच यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन WSP का प्रेशर स्विच होते हैं। BPFP का डट कलेक्टर होते हैं। आइसोलेटिंग कॉक BPFP बोगी 1 एवं बोगी 2 का आइसोलेटिंग कॉक होते हैं। लो सेंसिंग बल्ब के सिग्नल के अनुसार सही प्रकार के ग्रॉस बेड के लिए उसके डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब के साथ BC प्रेशर को नियंत्रित करता है। ब्रेक कैलिपर की बात की जाए तो 8 की संख्या में प्रत्येक बोगी के लिए 4 दो बाएं और 2 दाएं तरफ एक ट्रॉली पर हमारा टोटल 4 ब्रेक कैलिपर होते हैं। यही हमारा ब्रेक कंट्रोल पैनल है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्कॉट डीवी के साथ C3 और स्कॉट डीवी के साथ हमारा ये पैनल हो गया और C3 DB के साथ हमारा ये पैनल हो गया ब्रेक पैनल। और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारा नॉर का आइसोलेटिंग कॉर्ड लगा हुआ है, इसमें 3 टाइप के हमारा ब्रेक पैनल बनाए जाते हैं LHB कोच में। अगर यहाँ पर अगर हम बटम टाइप के लगा होता तो हमारा यह हमारा फैबली का हो जाता, और हमारा एक होता स्कॉट कंपनी का होता है जिसमें हमारा 2 पिन लगे होते हैं जिसको हमें घिसना होता है, और इसमें एक नॉर का होता है जो हमारा क्लॉक जो हमारा नोज टाइप का होता है जिसको हम एंटी क्लॉक वाइज घुमाने से हमारा आइसोलेटिंग कॉक आइसोलेट हो जाते हैं। अगर ब्रेक सिलेंडर की बात की जाए तो ये हमारा कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, और इसमें सिंगल स्लैक एडजस्टर की व्यवस्था आंतरिक में की गई है एवं पिस्टन स्ट्रोक 21 mm का होते हैं। स्लैक क्षमता हमारा 160 mm। ब्रेक सिलेंडर का साइज हमारा 10 इंच यानी 250 से 55 mm तक होता है। अधिकतम BC पर ब्रेक सिलेंडर का प्रेशर हमारा 3 kg/cm² होता है। ब्रेक पैड की बात की जाए तो नए में हमारा 35 mm होता है एवं जब कंडम हो जाता है तो हमारा 7 mm का हो जाता है। इसका अगर 200 cm इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें यह प्रत्येक ट्रॉली पर हमारा 8 होता है। घिसाव से हमारा 28 जब घिस जाए यानी 7 हमारा 7 mm पर जब घिस कर आ जाते हैं तो हम इसको कंडाउन कर देते हैं। अगर ब्रेक डिस्क का बात की जाए तो यह प्रत्येक कोच में 8 होते हैं। डिस्क साइज 640×110 mm होते हैं। स्पीड सेंसर की बात की जाए तो हमारा स्पीड सेंसर हमारा WSP से कनेक्ट रहता है जो हमारा एक्सल बॉक्स के सहारे हमारा फोनिक बिल से स्पीड सेंसर कनेक्ट रहते हैं, जिसमें हमारा स्पीड सेंसर और फोनिक बिल के बीच हमारा गैप 0.9 से 1.4 mm होता है जो हमारा नॉर का है। और FTIL की बात की जाए जो हमारा फैबली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड जो हमारा 1 mm से 2 mm का गैप रखता है। ये हम देख सकते हैं जो हमारा स्पीड सेंसर लगे हुए हैं। ये हमारा स्पीड सेंसर हो गया जो हमारा यहाँ पर स्पीड सेंसर के माध्यम से इस और यहाँ ही पर हमारा फोनिक व्हील लगे होते हैं। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स हो गया, फोनिक व्हील एक्सल बॉक्स बॉक्स कवर के साथ होते हैं जो सेंसर केबल है। स्पीड सेंसर आप देख सकते हैं। फोनिक व्हील स्पीड सेंसर के बीच हमारा FTIL में 1 mm से 2 mm होते हैं तथा नॉर में हमारा 0.9 से 1.4 mm का होता है। ये हमारा फोनिक व्हील है जिसमें हमारा 80 दांत होते हैं टोटल। इस तरह का हमारा दांत इस तरह हमारा जो 80 दांत होते हैं टोटल। और ब्रेक एप्लीकेशन रिली इंडिकेटर बात की जाए तो 4 हमारा ब्रेक होते हैं। ब्रेक एप्लीकेशन रिलीज के लिए प्रत्येक इंडिकेटर होते हैं हमारा। इसमें एंटी स्किड बाल यानी डंप बाल की व्यवस्था की गई है जो प्रत्येक एक्सल पर हमारा एक होता है जो हमारा प्रेशर कंट्रोल करता है ताकि हमारा जब भी जब हमारा स्किड हो तो उसमें प्रेशर को कंट्रोल कम या ज़्यादा किया जा सके।
और इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर का एक लगा होते हैं। यह ब्रेक पाइप से जुड़ा होता है। इसका कार्य बीपी प्रेशर की गिरावट के अनुसार ट्रेन की लंबाई में बीपी प्रेशर को बड़े होरोफिस से बाहर निकाल कर शीघ्रता से एक समान ब्रेक लगाना होता है। यानी ब्रेक एक्सीलेटर की बात की जाए तो एक समान ब्रेक लगाने में हमारा मदद करते हैं। अलार्म चेल पुल की व्यवस्था हमारे यात्रियों को सहूलियत के लिए की गई है ताकि अगर जरूरत पड़े तो इमरजेंसी हम इसका उपयोग किया जा सके। इमरजेंसी ब्रेक एक्सीलेटर को आप देख सकते हैं किस तरह का होता है। ब्रेक सिस्टम का देख सकते हैं, हमारा बोगी वन के लिए हमारा इंडिकेटर लगा हुआ है और बोगी टू के लिए एक हमारा हैंड ब्रेक के लिए लगा हुआ है। एक हमारा हैंडल इमरजेंसी में हमारा जो इमरजेंसी विंडो होता है उसके लिए हमारा हैंडल लगा हुआ है। हमारा सीवीसी का एच टाइप सीवीसी का प्रावधान किया गया है। ये हमारा मेल पार्ट हो गया तथा ये हमारा फीमेल पार्ट हो जाता है जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर हमारा फिट हो जाते हैं। अगर एलएचबी के पार्ट्स के बारे में बात की जाए तो बोगी फ्रेम जो हमारा वाई शेप्ड में होता है, व्हील, एक्सल, डिस्क ब्रेक यूनिट, प्राइमरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन, टूल बार, क्रॉस बीम। एलएचबी ट्रॉली में प्राइमरी सस्पेंशन के पार्ट्स की बात की जाए तो बोगी साइड फ्रेम, रबर डिस्क, सेटिंग डिस्क, इनर एवं आउटर स्प्रिंग, बम्प स्टॉप, सीम वॉशर, कंट्रोल आर्म, हमारा ब्लॉक, रबर ज्वाइंट, कंट्रोल आर्म अपर पार्ट्स, डैम्पर जो प्राइमरी वर्टिकल होता है और फेस प्लेट यानी एक्सल का हमारा हो जाता है। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की बात की जाए तो बोगी प्लस्टर, रबर पैर यानी माइनर पैर, अपर एवं लोअर स्प्रिंग गाइड, इनर एवं आउटर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग, लेटरल डैम्पर, लेटरल बम्प स्टॉप, लॉन्गिट्यूडनल बम्प स्टॉप, क्रॉस सेक्शन, योर डैम्पर, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, नेस्टल स्प्रिंग, एंटी रोल बार, बोलिस्टर बीम, एंटी रोल बार लिंक, ट्रैक्शन सेंटर एवं डोम होते हैं। अगर एलएचबी के एयरबैग सिस्टम की बात की जाए तो हमारा कटअप एंगल कॉक, एक्सीलेटर बल्ब, ऑक्सिलरी रिजर्वायर सीटीएस 75 लीटर्स एवं ऑक्सिलरी रिजर्वायर 125 लीटर्स और जो ब्रेकिंग सिस्टम में हमारा यूज किए जाते हैं। और सीआर की बात की जाए तो जो हमारा 6 लीटर का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब, डट कलेक्टर, आइसोलेटिंग कॉक, साइड ब्रेक इंडिकेटर, नॉन रिटर्न बल्ब, डंप बल्ब, माइक्रो प्रोसेसर, स्पीड सेंसर, WSP जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन होता है, ब्रेक पैर, कैलीपर, ब्रेक सिलेंडर, हैंगर, ब्रेक डिस्क एवं बायरोप होते हैं। अगर फियट बोगी की जो बात बोल रहे थे कि हमारा देख सकते हैं, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन, ये हमारा प्राइमरी सस्पेंशन का पार्ट्स हो गया तथा ये हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन का पार्ट्स हो गया। अगर प्राइमरी सस्पेंशन की बात की जाए तो देख सकते हैं प्राइमरी सस्पेंशन है हमारा, ये हमारा साइड फ्रेम हो गया, हमारा साइड फ्रेम, उसके बाद हमारा रबर डिस्क लगे होते हैं सीरियल नंबर से, उसके बाद सेटिंग डिस्क, इनर स्प्रिंग, आउटर स्प्रिंग, बम्प स्टॉप, सिम बासर एवं सेटरिंग डिस्क लगे होते हैं। तथा अगर साइड की बात की जाए तो हमारा कंट्रोलर अपर पार्ट, कंट्रोलर लोअर पार्ट, रबर जॉइंट वगैरह लगे होते हैं। अगर सेकेंडरी सस्पेंशन की बात की जाए तो हमारा बुलस्टर, आउटर स्प्रिंग, रबर पैड, अपर स्प्रिंग गाइड, इनर स्प्रिंग, रबर स्प्रिंग नीचे लगे होते हैं हमारा, उसका लोअर स्प्रिंग गाइड हमारा उससे भी नीचे लगे होते हैं जो गाइड किए करते हैं हमारा स्प्रिंग को गाइड करने में काम आते हैं। अगर एंटी रोल बार की बात करें तो हमारा ये बोलिस्टर हो गए और ये हमारा फ्रेम सपोर्ट, स्क्रू हमारा हो गया, एंटी रोल बार और स्क्रू वगैरह हो गए। हम कंट्रोल आर्म का कार्य होता है एक्सल को गाइड करना एवं वर्टिकल लेटरल फोर्स को ट्रॉली फ्रेम पर बढ़ाना होता है यानी प्रेषित करना होता है। डंपर का काम होता है एक अतिरिक्त कंपन अवशोषक के रूप में कार्य करता है जो शॉक को ऑब्जर्व करता है। डैम्पर वर्टिकल शॉक के साथ साथ हॉरिजॉन्टल शॉक को भी ऑब्जर्व करता है।
एंटी रोल बार की बात की जाए तो हमारा एंटी रिलीजी कोचों का रोलिंग मोशन रोकने के लिए एंटी रोल बार मैकेनिज्म का लगाया गया है। टैक्शन सेंटर का कार्य ब्रेकिंग तथा ट्रैक्टिव को ट्रॉली फ्रेम या कोच की बॉडी फ्रेम पर प्रेषित करना एवं सेंटर बोलिस्टर बीम पर बेल्ड किया होता है तथा उसे ट्रैक्शन लीवर टेंसर रड से जुड़ा होता है। अगर अलार्म चेल पुलिंग हम व्यवस्था की गई है ताकि इमरजेंसी में इसका बचाव की जा सके गाड़ी का। इसमें हमारा 19 mm का डाय चौक नीचे में पी भी लगा होता है। जब हम चैन पुलिंग करते हैं तो इससे हमारा 19 mm डायल से हमारा तेज़ हवा निकलने लगती है और हमारा ब्रेक अप्लीकेशन हो जाता है, जिसको हमको रीसेट करने के लिए हमको चाबी डालकर घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घुमाना होता है, जिससे हमारा डिवाइस उठकर हमारा सही स्थिति में आ जाते हैं एवं हमारा आवाज़ हवा निकलना बंद हो जाते हैं। अगर फिर भी हमारा हवा नहीं निकल पाए निकलते रह जाए सेट नहीं हो तो हम इस अवस्था में हम PPPEB के पास लगे आइसोलेटिंग कॉक को बंद करके हम इसका रुकावट कर सकते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पर हमको क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर हमको रीसेट करना होता है। इस तरह से हमको रीसेट किया जाता है। ये हमारा आइसोलेटिंग कॉक है जो पी बी का जो नीचे लगा होता है 19 mm का। अगर रीसेटिंग करने से हमारा रीसेट नहीं होता है तो हम आइसोलेटिंग कॉक बंद कर देते हैं। LHB के अगर पैरामीटर की बात की जाए तो LHB कोच की लंबाई हेड स्टॉक तक 23,540 mm, LHB की कोच की लंबाई बफर से बफर तक हमारा 24,000 mm होता है तथा LHB कोच की चौड़ाई 3240, LHB कोच की ऊंचाई हमारा 4039 mm और ब्रेक सिलेंडर की डाया की बात करें तो 10 इंच का होता है या 255 mm का होता है। LHB फीएट बोगी में लगने वाले ब्रेक सिलेंडर की संख्या हमारे 4 की संख्या में होते हैं। अगर LHB ट्रॉली में ब्रेक हमारा एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम का प्रावधान किया गया है। अगर बात की जाए वाटर टैंक की तो हमारा 685 लीटर का हमारा 2 होता है, उसके बाद हमारा 450 लीटर का हमारा 1 होता है और एक हमारा पेंट्री कार के पास हमारा 30x3 के केस में हमारा होते हैं। LHB कोच के नए चक्के के साइज़ की डाया की बात करें तो 915 mm एवं पुराना कंटेनर का 845 जो अभी वर्तमान में RDSO के द्वारा हमारा 855 mm कर दिया गया है। जनरल सेंटर से जनरल व्हील बेस की बात की जाए तो 2560 mm। अगर प्लेसिस की सीमा जो हमारा फ्लैट टायर हमारा ब्रेक बाइंडिंग हो जाने पर होता है इसमें हमारा 45 mm का होता है। अब LHB की राइडिंग इंडेक्स की बात की जाए तो हमारा 2.5 से लेकर 2.75 mm तक होता है। LHB कोच की कोटल लाइफ हमारा 30 वर्ष होता है। प्राइमरी बम्प स्टॉप का गेज हमारा 37.5 से 40 mm होता है। सेकेंडरी बम्प स्टॉप का गेज हमारा 95 से 75 mm होता है। इसमें हमारा CTRB की व्यवस्था की गई है। ब्रेक डिस्क का नया साइज हमारा 640x110 mm होता है। जब 110 mm वाला पार्ट हमारा घिस कर 96 mm पर आ जाए तो उसको हम कंडेम कर देते हैं। ब्रेक पैड की मोटाई हमारा 35 mm, न्यू कंडेम हमारा 7 mm डी। और इसमें हमको जब गाड़ी का मेंटेनेंस LHB किया जाता है तो हमारा 3 केस में किया जाता है। पहला हमारा D1 उस जो साप्ताहिक होता है, D2 हमारा 1 महीना प्लस माइनस 3 दिन पर किया जाता है तथा D3 हमारा 6 महीना प्लस माइनस 15 दिन पर किया जाता है। अगर वर्कशॉप का शेड्यूल की बात की जाए तो 18 महीने पर SS1 जो 6 लाख किलोमीटर चलने के बाद किया जाता है। SS2 शेड्यूल जो हमारा 36 महीना 12 लाख किलोमीटर चलने के बाद होता है और एक हमारा SS3 शेड्यूल जो 72 महीना यानी 24 लाख किलोमीटर चलने के बाद होता है। लेटरल बम्प स्टॉप का क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो 25 ± 5 mm होता है। लॉन्गिट्यूडिनल बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात की जाए तो 8 ± 5 या -2 mm तक होता है, परमिसेबल है। अगर सिंगलिटी बम्प स्टॉप क्लियरेंस की बात की जाए जो वर्टिकल में रहता है जहाँ पर जिससे हमारा एंटी रोल बार कनेक्ट रहते हैं एवं हमारा बोगी फ्रेम बोगी हम कोच डाला हुआ रहता है उस पर, तो उसमें हमारा 95 ± 0 -5 mm दो सेंटर ट्रैक्शन सेंटर के बीच की दूरी हमारा 14,900 mm होता है। जब हमारा LHB में ब्रेक बाइंडिंग समस्या आती है तो उस केस में हमें आइसोलेट करने की
को जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हमें सबसे पहले देखते हैं कि किस कोच में हमारा ब्रेक बाइंडिंग समस्या आ रही है, उसका ब्रेक इंडिकेटर हमारा लाल दिखाएगा। उसके बाद हम सबसे पहले डीवी का मैनुअल रिलीवर रिलीज खींचेंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गया तो आगे का प्रोसेस कर देंगे, अदरवाइज हम ब्रेक अगर ब्रेक रिलीज हो गए तो तब हम क्या करेंगे, डीवी का आइसोलेटिंग हैंडल को क्षैतिज स्थिति में उठाकर तार से बांध देंगे एवं आइसोलेटिंग कॉक से एआर को आइसोलेट करें एवं एआर को ड्रेन करेंगे। अगर ब्रेक रिलीज न हुआ तब ब्रेक पैनल में उपस्थित हमारा बोगी आइसोलेटिंग घड़ी को विपरीत दिशा में 90 डिग्री पर घुमाएंगे, जिससे प्रभावित बोगी आइसोलेट एवं स्वतः रिलीज हो जाएंगे। यदि ब्रेक रिलीज हो गए हैं तो ब्रेक इंडिकेटर हरा बताएगा एवं ब्रेक कैलिपर हिलाकर ब्रेक का रिलीज होना सुनिश्चित करेंगे। ब्रेक सिलेंडर का हेक्सागोनल नट 27 नंबर या 46 नंबर स्पैनर से लूज करें और ब्रेक कैलिपर को हिलाकर ब्रेक रिलीज होना सुनिश्चित करें। एलएचबी कोच एफटीआईएल एंड फैमिली ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड का हमारा जो एयर ब्रेक सिस्टम का जो कनेक्शन होता है उसे कैसे किया गया है उसके बारे में बताया गया है। जो हमारा यहाँ पर हमारा पीईवी जो 19 mm का डिवाइस लगा होता है, जो इससे पहले एक हमारा आइसोलेटिंग कॉक होता है, यहीं से बंद करने से हमारा रिसेट अगर नहीं हो तो यहाँ से हमें आइसोलेटिंग कॉक बंद करना पड़ता है। ये हमारा ब्रेक एक्सीलेटर है, उससे पहले भी हमारा ब्रेक पाइप से कनेक्ट जो आइसोलेटिंग कॉक बंद करना पड़ता है। हमारा ब्रेक सिलेंडर हो गया और हमारा ये हमारा ब्रेक इंडिकेटर देख रहे हैं आप, ये हमारा बीपी का लाइन हो गया, ये हमारा एफपी का लाइन हो गया, ये हमारा डंप वाल है जो हमारा प्रत्येक एक्सल पर एक डंप वाल होते हैं, ये हमारा ब्रेक पैनल हो गया जिससे पहले हमारा एआर, उसके बाद हमारा ये हमारा बोगी आइसोलेटिंग कॉक सीआर डीबी प्रेशर स्विच सीटीएस आइसोलेटिंग कॉक एवं प्रेशर एफपी और बीपी सब का आइसोलेटिंग कॉक लगा हुआ है।